शर्म की बात नहीं। तो आपने पैसे लिए तो लिए हैं, कोई शर्म नहीं है। ऊपर वाले बोले आप जो है मकान तो मिल जाएगा लेकिन मैडम खर्च आएगा। मैंने कहा सर क्या खर्च आएगा इसमें, तो बोले इसमें लगभग आएगा 50,000 रुपये। तो मैंने कहा सर वो हमें जमा ही करने पड़ेंगे बैंक में। नहीं मैडम वो जमा नहीं करने पड़ेंगे, वो वैसे ही खर्च आएगा, आप समझदार हो, समझ गई होंगी। मैंने कहा अच्छा सर, तो बोले ठीक है। तो फिर जो है ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी है ना, तो जब इन्होंने मुझसे मांगा तो मेरी इतनी क्षमता नहीं थी जो मैं इन्हें 20,000 वाला 10,000 भी दे सकती मकान, मेरी क्षमता नहीं थी। लेकिन इन्होंने जब इन्हें डिमांड रखी बोले मकान आपका पक्का हो जाएगा लेकिन बिना पैसे के नहीं होगा, वरना टहलती रहोगी पूरे मुरादाबाद के, पूरे लखनऊ के चक्कर काटोगी, आवास नहीं मिलेगा। फिर क्या किया? मैंने कहा अच्छा सर, फिर बस मैंने जहाँ तहाँ दिमाग लड़ाया, एंटी करप्शन ऑफिस गई, वहाँ बात करी, वहाँ सारी स्थिति बताई। फिर हाँ मैंने DM साहब के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें भी पूछा था मैंने। फिर मैं एंटी करप्शन ऑफिस गई, फिर मैंने वहाँ बताया, सारी योजना बताई। मैंने कहा देखो सर अब मकान मिले या ना मिले, बाकी मैं ऐसे भ्रष्ट आदमी को पकड़वाना चाहती हूँ। इसका ना इनका नाम जो पकड़े गए हैं श्री सुभाष चंद्र मौर्य हैं, ये संपत्ति प्रबंधक हैं यहाँ आवास विकास परिषद में, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में संपत्ति प्रबंधक हैं। इन्होंने 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी श्रीमती निर्देश चौधरी से उनको आवास दिलाने के लिए, जिन्होंने फॉर्म भर रखा था ऑनलाइन, और उसने यूनिट में आकर शिकायत की दिनांक 27/11 को। मैंने उसकी जाँच कराई और जाँच कराने के बाद में जब आरोप की पुष्टि हुई तो फिर मैंने आज जो है अपने अपनी टीम और मेरठ यूनिट की एंटी करप्शन की टीम के साथ में संयुक्त रूप से आज इसको 20,000 रुपये की कोशिश देते हुए गिरफ्तार किया।